हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से जीएस स्टडी विद बिट्टू सिंह चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम वन वर्ड इंग्लिश के एक टॉपिक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में समझेंगे। आज हमने आपको आपके लिए 10 ऐसे वन वर्ड सॉरी 11 ऐसे वन वर्ड लेके आए हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा और बड़े आसानी से इस वन वर्ड को हम इजिली तरीके से याद भी कर लेंगे। अब आज से ये सेशन शुरू हुआ है और हर दिन हम आपके लिए 11 11 करके सीरीज लेकर आएंगे वन वर्ड का, और आसानी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला वन वर्ड। देखिए, पहला वन वर्ड है अ पर्सन, हु इजिली ट्रस्ट अदर्स। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पे आसानी से विश्वास कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसके लिए एक वर्ड, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या होगा? तो वो वर्ड है गलबल। गलबल का मतलब होता है सीधा साधा। सीधा साधा या फिर भोला भाला, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से डिसीव किया जा सके, धोखा दिया जा सके, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गलबल बोलते हैं। अ पर्सन हु इजली ट्रस्ट अदर। दूसरा वर्ड, अ पर्सन Who likes to eat too much? यानी कि वह व्यक्ति जो अधिक खाना पसंद करता है, यानी कि उस व्यक्ति को केवल खाने पीने में ज्यादा मन लगता है, ऐसे वो व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं गल्टन। ठीक है, गल्टन का मतलब होता है पेटू, या फिर कह सकते हैं भूखड़। भूखड़ कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अ पर्सन हु डजंट ड्रिंक अल्कोहल। अ पर्सन हु डजंट ड्रिंक अल्कोहल, वह व्यक्ति जो मदिरा पान नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए वर्ड टीटोडलर है। टीटोडलर यानी कि जो नशा बिल्कुल ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को टीटोडलर बोलते हैं, जो दारू शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हमारा वन वर्ड, अ पर्सन हु स्पेंड्स लेस। वह व्यक्ति जो खर्च बिल्कुल कम करता है, खर्च के नाम पे एकदम उसका स्कोर क्या है? जीरो है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कंजूस व्यक्ति बोलते हैं, यानी कि स्टिंजी बोलते हैं। स्टिंजी बोल सकते हैं, और भी वर्ड है, माइजर है, यानी कि कंजूस बोल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो खर्च बिल्कुल ना करे, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कंजूस बोलते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट, अ पर्सन हु स्पेंड्स अलॉट, यानी कि वह व्यक्ति जो दिल खोल के खर्चा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट, ठीक है, यानी कि खर्चीला व्यक्ति बोल सकते हैं। वह व्यक्ति जो खूब खर्चा करते हैं, जहां आवश्यकता है वहां भी, जहां नहीं है वहां भी, तो ऐसे व्यक्ति को खर्चीला बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड, अ पर्सन हु स्पीक्स
द ट्रूथ, यानी कि वह व्यक्ति जो सत्य बोलता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं, यानी कि ईमानदार। ऐसे व्यक्ति को ईमानदार बोला जा सकता है। फिर नेक्स्ट, अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, वह व्यक्ति जो कम बोलता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं टैसिटर्न, ठीक है, कम बोलने वाला, कम बोलने वाला व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका अपोजिट, अ पर्सन हु स्पीक्स अलॉट, वो व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, जहां आवश्यकता है बोलने की वहां भी, जहां बोलने की आवश्यकता नहीं है वहां भी बोलता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं टॉकेटिव, यानी कि वाचाल, और यहां कह सकते हैं अल्पभाषी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अ पर्सन, अ पर्सन हु टीचेज इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ऐसा व्यक्ति जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? ऐसे व्यक्ति को लेक्चरर बोलते हैं, यानी कि व्याख्याता, व्याख्याता बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पर्सन हु ईट्स ओनली वेजिटेरियन फूड, वो व्यक्ति जो केवल शाकाहारी भोजन करता है, सिंपल सा भोजन करता है, उसे बोलते हैं वेजिटेरियन, यानी कि शाकाहारी, ठीक। लास्ट, अ पर्सन हु गेट्स नर्वस बिफोर पीपल, वह व्यक्ति जो अन्य लोगों के सामने, दूसरे लोगों के सामने अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, घबराया हुआ महसूस करता है, ऐसे व्यक्ति को शाई बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से शर्मीला व्यक्ति है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 वन वर्ड, और बड़े ही आसानी तरीके से हम लोगों ने इसको कवर अप किया है, ठीक है। एक बार रिविजन कर लेते हैं। अ पर्सन हु इजली ट्रस्ट अदर, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति पे आसानी से विश्वास कर लेता है, उस व्यक्ति को गलबल बोलते हैं, यानी कि GULLIBLE, गलबल में सीधा साधा या भोला भोला, भोला भाला, ठीक है। उसके बाद, अ पर्सन हु लाइक्स टू ईट टू मच, वो व्यक्ति जो अधिक खाना पसंद करता है, ऐसे व्यक्ति को गल्टन बोलते हैं, यानी कि पेटू, स्पेलिंग है GULTON, गल्टन यानी कि पेटू या फिर भूखड़। थर्ड है, अ पर्सन हु डजंट ड्रिंक एल्कोहल, वह व्यक्ति जो मदिरा का सेवन नहीं करता है, उस व्यक्ति को टीटोडलर बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा वन वर्ड है, अ पर्सन हु स्पेंड्स लेस, यानी कि वह व्यक्ति जो कम खर्चा करता है, ठीक है, यानी कि बंद मुट्ठी करके चलता है, ऐसे व्यक्ति को स्टिंजी या फिर माइजर भी बोल सकते हैं। उसके बाद पांचवा है, अ पर्सन हु स्पेंड्स अलग्स, ऐसा व्यक्ति जो खर्च बहुत ज्यादा करता है, यानी कि आवश्यकता से ही ज्यादा खर्च करता है, ऐसे व्यक्ति को खर्चीला बोलते हैं। इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड इस पूरे सेंटेंस के लिए स्पेंड थ्रिफ्ट यूज किया जा सकता है। छठा है, अ पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ, वह व्यक्ति जो सत्य बोलता है, यानी कि जो सत्य का सपोर्ट करता है, सत्य बोलता है, ऐसे व्यक्ति को ईमानदार बोला जा सकता है, यानी कि ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। अ पर्सन हु स्पीक्स लेस, वह व्यक्ति जो बहुत कम बोलता है, यानी कि जहां आवश्यकता है वहां भी वो नहीं बोलता है,
ऐसे व्यक्ति को टैसिटर्न, अल्पभाषी या फिर कम बोलने वाला कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अ पर्सन हु स्पीक्स अलर्ट, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है। तो टाकेटी वर्ड यूज किया जा सकता है, TALKATIVE, टाकेटी यानी कि वाचाल। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर, अ पर्सन हु टीचेज इन कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज। देखिए, अध्यापक भी कई प्रकार के होते हैं। वो अध्यापक जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, इनको हम लेक्चरर बोलते हैं, यानी कि व्याख्याता बोलते हैं। ठीक है, 10वां वर्ड है अ पर्सन हु ईट्स ओनली वेजिटेरियन फूड, वह व्यक्ति जो केवल शाकाहारी भोजन करता है उसे वेजिटेरियन यानी शाकाहारी कहा जा सकता है। और आज का लास्ट और 11वां वर्ड, अ पर्सन हु गेट्स नर्वस बिफोर पीपल, वह व्यक्ति जो अन्य लोगों के सामने अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है, ऐसे व्यक्ति को साई बोलते हैं, SHY साई में शर्मिला। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए हो तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, GS स्टडी विद बिट्टू सिंह। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में कम से कम इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद है तो दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।